ईशु को क्रूस पे चढ़ायो जानो। ईशु को ठट्टा करन के बाद सैनिक ओको क्रूस पे चढ़ान के गुन्ना ले गई। हुन ने हु क्रूस को ओके से उठवाइन जेके पे हु मरण वालो होतीस। ही सैनिक ईशु को वा जागा पे लेके गईन जो खोपड़ी कहलाते और ओके हाथ और पाय को क्रूस पे ठोक देन। पर ईशु ने कहिस, हे मोरे बाप, हिन को माफ कर, काया की ही नी जानत की ही का कर रहीन हत। हुन ने एक तख्ती को भी ओके मुंडी के ऊपर टांग देन, ओके पे लिखो होतीस, यहूदी नाउन को राजा। पिलातुस ने हुनके से योच लिखन के गुना कहे होतीस। फिर सैनिक नाउन ने ईशु के कपड़ा नाउन के गुना चिट्ठी डालिन। जब हुन ने असो करिन तो हुन ने वा भविष्यवाणी को पूरो करिन जो कहत होती, हुन ने मोरे कपड़ा नाउन को एक मेक में बाट लेन और मोरे कपड़ा नाउन के गुना चिट्ठी डालिन। वहां पे दो डाकू भी होतीन जिनको सैनिक नाउन ने वाज समय क्रूस पे चढ़ाए होतीन। हुन ने यीशु के बाजू में दोई को रखे होतीन। हुनके में से एक डाकू ने यीशु को मजाक उड़ाई, पर दूसरे डाकू ने कही, का तू नी डरस कि परमेश्वर तो को दंड दे है? हम तो बहुत से बुरे काम नाउन को करण के दोषी हन, पर यो मानुष निर्दोष है। फिर उन्हें यीशु से कहिस, जब तू अपने राज में आबेन तो मोरे पे दया करके मोको याद करबेन। यीशु ने उत्तर देइस, आजच तू मोरे संग स्वर्ग लोक में होबेन। यहूदी अगवा नाउन और गर्दी के दूसरे लोग नाउन ने यीशु को मजाक उड़ाइन। हुन्ने ओके से कहिन, अगर तू परमेश्वर को टुरास तो क्रूस से खल्ले उतर के आ और खुद को बचा ले, तब हम तोरे पे विश्वास करबोन। फिर हु पूरे देश को आकाश पूरे तरीका से अंधारो भय गईस। भले ही हु दिन को दोपहर को समय होतीस, यो दोपहर को समय अंधारो होतीस और 3 घंटा तक असोच रहीस। तब यीशु ने पुकार के कहिस, पूरो भईस, हे बाप, मैं अपनी आत्मा तोरे हाथ में सौंपतम। तब ओने अपनी मुंडी को झुकाइस और अपनो जीव छोड़ देस। जब हु मरिस तो एक हुई डोल होइस। हु बड़ो पर्दा जो परमेश्वर की उपस्थिति से लोग ना उनको अलग करत होतीस, ऊपर से खल्ले तक हट के दो भाग भय गईस। अपनी मृत्यु होन के जरिया से यीशु ने लोग ना उनके गुना परमेश्वर के जवर आन को मार्ग खोल दी। जब यीशु की पहरेदारी करन वाले एक सैनिक ने जो कई भय होतीस वो सपाई देखिस तो ने कहिस, पक्को यो मानुष निर्दोष होतीस और यो परमेश्वर को उराय। फिर यूसुफ और निकुदेमुस नाम के दो यहूदी अगवा नाउन आईन, ही विश्वास करत होतीन कि यीशुच मसीह होतीस। हुन्ने पिलातुस से यीशु की लाश को मांगीन। हुन्ने वा लाश को कपड़ा में लपेटिन, तबच ओको एक चट्टान को काट के बनाई गई कबर में ले गई और ओके अंदर रख दे। तब हुन्ने वा कबर के दरवाजा को बंद करन के गुना एक बड़ो गोटा को झाकन लगा दी।